Hi, welcome to EducationFlicks YouTube channel. Please watch full video to get more knowledge. And subscribe now and press bell icon. And get the latest videos notification. Let's start with me. हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। ये भी एक तरीके से बेसिक ही है, एक्सेल बेसिक। इसमें हम आपको आज 4 नई चीज़ें सिखाएंगे, जिसमें आपका ऐड हम सम कैसे करते हैं, यानी कि 2 वैल्यू को ऐड कैसे करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि क्लास 2 है हमारी। ऐड यानी कि a+b मतलब हम जोड़ते कैसे हैं। सब्सट्रैक्ट यानी हम घटाते कैसे हैं। एक्सेल में हमें क्या फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए जिससे हम 2 वैल्यू को a-b कर सकें। मल्टीप्लाई, हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं एक्सेल में, और हम डिवाइड कैसे करते हैं एक्सेल में। ये 4 फार्मूलाज हैं जो हम आपको आज सिखाएंगे। ये बहुत बेसिक हैं और ये आपका क्लास 2nd है, तो ये बेसिक का पार्ट 2 है एक तरह से। और आपको ये अगर समझ में आ गया तो फिर आप कहीं भी एक्सेल में आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई या फिर आपको डिवाइड करना हो, आप इजीली कहीं भी कर सकते हैं। चलो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम 2 ईजी वैल्यूज़ ले लेते हैं। पहले मैं इसकी तरह एक टेबल बना लेता हूँ। यहाँ पर देखिए, हम 2 वैल्यू ले लेते हैं। एक और टेबल हमें चाहिए होगी। यहाँ पर आप देखते रहिए, जैसे मैं फॉलो करूँ, जैसे फॉर्मेट प्रिंटर मैंने यूज़ किया, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। साथ साथ आप काफ़ी चीज़ें लर्निंग कर सकते हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम 2 वैल्यू कुछ ले लेते हैं, मान लीजिए हम ईजी कुछ लेते हैं 10 और यहाँ पे लेते हैं 20। अब नॉर्मली आपको पता है कि अगर हम 10 और 20, ये हमारा, हम इसको ए ले लेते हैं, सॉरी एक मिनट, हम इसको ए कर देते हैं और इसको बी कर देते हैं। ये आपकी समझ, आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ए मीन्स a+b, जो हमने फॉर्मूले यहाँ पे दिए हैं वही चीज़ हमने यहाँ पर ली है। आप चाहें तो हल्का सा इसको कुछ कलर भी दे सकते हैं, गुड, अच्छा सा कोई कलर। और हम ओके ऐसे रहने देते हैं इसको, नो प्रॉब्लम। अब आप देखिए a+b, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम टोटल लेंगे या यहाँ पे हम लेंगे प्रोडक्ट। ओके, यहाँ पे हम इसका प्रोडक्ट लेंगे जो भी आएगा। तो इसके लिए सॉरी एक मिनट, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए प्रोडक्ट, थोड़ा सा मैं आपके सामने करूँ तो आपको ये भी लर्निंग होगी कि मैं जैसे जैसे काम कर रहा हूँ उसके हिसाब से आप सीख सकते हैं। हम सम कैसे करते हैं, इसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले किसी भी कोई भी फॉर्मूला लगाने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से इक्वल टू साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। इक्वल टू साइन के बाद यहाँ पे ही हमारी जो होती हैं सेल्स होती हैं, ये हमारी सेल्स हैं, ये हमारे रोज़ हैं, ये सेल्स होती है हमारी। ओके, इसमें हमें इक्वल टू के बाद हमें क्या ऐड करना, a+b। सो ए, जहाँ पर ए आता है वहाँ पर आप माउस से क्लिक कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पर ये हाईलाइट हो गया है, ठीक है। इसका मतलब ये वैल्यू सिलेक्ट हो गई। उसके बाद आप कीबोर्ड से लगाइए प्लस का साइन, और उसके बाद ये जो b लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक करिए और इसको एक बार एंटर मार दीजिए। ये आ गया आपका 30। अगर आप 10 + 20 करेंगे तो आपका 30 आएगा। अगर आपको अपना फॉर्मूला देखना है तो आप यहाँ पे जाके ये फॉर्मूला देख सकते हैं, ये आपको दिख रहा हो a+। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए 2 वैल्यूज़ हाईलाइट हो जाएंगी, आपने क्या क्या सेलेक्ट किया है। तो इसके थ्रू आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं कि आपने क्या क्या वैल्यू सेलेक्ट की है, यानी कि a+b = 30। ये मैंने आपको खाली रेफरेंस के नहीं दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। इसमें a ये है और ये b ये है, ये प्रोडक्ट हमारा आएगा। इसी तरीके से हम सेम वैल्यूज़ ले लेते हैं 10 × 20, या इसमें हम थोड़ा इजी वैल्यू लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। 5 × 2 कर देते हैं, सॉरी मैं, हाँ माइनस है तो मैं इसको 10, ये 20 रखते हैं, ठीक है। तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। फिर दोबारा से इक्वल टू लगाइए हमारे कीबोर्ड से। इक्वल टू लगाने के बाद आप जो वैल्यू लेनी है वहाँ पे आपको माउस से सेलेक्ट करना है। आप कीबोर्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं लेकिन फ़िलहाल आप माउस का इस्तेमाल करिए, ज़्यादा आपके समझने के लिए ज़्यादा बेटर है। सो आपको वो छोटी, अगर बड़ी वैल्यू में से हमें घटाना है 10 माइनस, फिर माइनस का हम साइन लगाएंगे और फिर हम लगाएंगे ये दूसरी वैल्यू सेलेक्ट करेंगे 20। ये देखिए माइनस में आएगा क्योंकि हमारा जो माइनस वाली वैल्यू है वो ज़्यादा है। आप एक काम करिए, यहाँ पर आप कर दीजिए 30 और यहाँ पर 20 कर दीजिए। तो ये अपने आप इसको चेंज करता रहेगा हर बार। 30 - 20 = 10। मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ इसको। इक्वल टू साइन लगाइए। इक्वल टू साइन लगाने के बाद आपको ए में से बी माइनस करना है या बी में से ए माइनस, जो भी आपको माइनस करना है वो आप पहले लीजिए। जैसे हमें फ़िलहाल हमने फॉर्मूला यहाँ पे लगा रखा है a - b, तो हम ए सेलेक्ट करेंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे और फिर b सेलेक्ट करके एंटर मार देंगे। तो ये आ गया हमारा, ठीक है। मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ साइड में एक और कैलकुलेशन। अगर आपको b - a करना है तब भी ईजी है। आप सीधा यहाँ पर जाइए, आप b पे क्लिक करिए पहले, फिर -a पे क्लिक करिए, एंटर मार दीजिए, -10 वैल्यू हो जाएगी। यानी अगर 20 में से 30 घटाएंगे तो ऑफकोर्स -10 ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। तीसरा आता है हमारा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई के लिए हम छोटी सी वैल्यू लेते हैं 5 यहाँ पे ले लेते हैं और 2 यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम सेम इक्वल टू का साइन लगाएंगे। हर फॉर्मूले से पहले आपको इक्वल टू का साइन लगाना मस्ट है, चाहे एक एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला क्यों ना हो। ओके, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद हम ए पे हम क्लिक करेंगे, मल्टीप्लाई के ऊपर साइन बना हुआ कीबोर्ड पे वो दबाएंगे और फिर हम b पे क्लिक से सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर कर देंगे। तो 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। अभी हमारा आता है सब्सट्रैक्ट का ऑप्शन, सब्सट्रैक्ट के लिए सॉरी डिवाइड का ऑप्शन। डिवाइड के लिए हम इजी वैल्यू लेंगे, जैसे 10 ले लेते हैं और यहाँ पे 2 ले लेते हैं ताकि इजीली हमें समझ में आ जाए। फिर दोबारा हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे अपने प्रोडक्ट के लिए। सो ए पे सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें 10 डिवाइड करना है 2 से। सो डिवाइड का हम साइन लगाएंगे और ये 2 पे सेलेक्ट करके एंटर मार देंगे सिंपल। ये 5 आ गया। आई होप आप समझ गए होंगे। 10 डिवाइड बाई 2, अगर आप 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएंगे, अगर आप 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएंगे। अब जो भी आप वैल्यूज़ यहाँ पे चेंज करेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक सारा का सारा चेंज होता रहेगा अपने आप। यहाँ पे आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। एक बार अगर आपने एक्सेल में ये फॉर्मूलेस फिट कर दिए तो फिर आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, सब आपका ऑटोमेटिक आएगा। ठीक है, सब आपका ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होता रहेगा। एक बार आपको सिर्फ फॉर्मूले सेट करने पड़ते हैं। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि आप शायद ये समझ गए होंगे। बहुत इजीली मैंने समझाया। एक बार ऐसे ही सेम टेबल बना के आप प्रैक्टिस करिए और जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे 100% मैं श्योरिटी लेता हूँ आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा और आप बार बार इसको प्रैक्टिस करिए। लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में और भी लिंक दे रखें। जो भी आपको लर्न करना है आप वो स्विच कर जाइए और वो आप लर्न कर लीजिए। अगर आपको एडवांस एक्सेल लर्न करना है तो आप वहाँ पर चले जाइए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। इस वीडियो में इतना ही, बेसिक सेकंड वीडियो थी और हम और नई नई वीडियो बनाएंगे। प्लीज़ पुट योर कमेंट्स एंड लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सभी हमारी नई नई वीडियोज़ मिल सकें। थैंक्स फ्रेंड्स, सी यू अगेन, बाय बाय।